नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन की तरफ से। इंजीनियर्स के लिए वैकेंसी आ चुकी है, सो इस वीडियो में इस जॉब से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली अच्छी अच्छी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन भोपाल की तरफ से यह जॉब अनाउंस की जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे नेम ऑफ पोस्ट पर वैकेंसी आई हुई है, तो चलिए एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट जॉब की बात करें तो कंसल्टेंट नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है। जॉब ड्यूरेशन की बात करें तो 11 मंथ, यानी कि यदि आपका सिलेक्शन होता है तो स्टार्टिंग में आपको 11 मंथ के लिए वर्क पर रखा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएट इन एनी सब्जेक्ट फॉर एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। So, यदि आपने किसी भी सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप इस पोस्ट पर अप्लाई कर सकते हो, और इसके साथ साथ आपको कंसल्टेंट पोस्ट पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/5/2021 तक आपकी जो एज है 65 ईयर से एक दिन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी की बात करें, यदि आपको यह जॉब मिलती है तो 45,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन इंटरव्यू होगा, यानी कि घर से बैठकर मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आपको ऑनलाइन तरीके से या इंटरव्यू देना होगा। इंटरव्यू डेट और टाइमिंग की बात करें तो 26/5/2021 10 AM पर आपका इंटरव्यू होगा। सेकेंड जॉब की बात करें तो सिस्टम एनालाइज्ड नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 1 पोस्ट है। जॉब ड्यूरेशन की बात करें तो 11 मंथ। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और इसके साथ साथ यदि आपका बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/5/2021 तक आपकी जो एज है वो 40 ईयर से एक दिन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40,000 पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी, और इसके साथ साथ ऑनलाइन आपका इंटरव्यू होगा। थर्ड नेम ऑफ पोस्ट की बात करें तो प्रोग्रामर, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 3। जॉब ड्यूरेशन की बात करें तो आपको स्टार्टिंग में 11 मंथ पर रखा जाएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, और यदि आपका बीई या फिर बीटेक कंप्यूटर साइंस में है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स में है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में है, तो भी आप इस जॉब को अप्लाई कर सकते हो। मिनिमम एक्सपीरियंस की बात करें तो आपके पास मिनिमम 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 1/5/2021 तक आपकी जो एज है 40 ईयर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सैलरी 35,000 है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो ऑनलाइन इंटरव्यू है। इंटरव्यू टाइमिंग की बात करें तो 26/5/2021 12 noon में आपका इंटरव्यू होगा। फोर्थ नंबर जॉब की बात करें तो कंप्यूटर असिस्टेंट, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट है। जॉब ड्यूरेशन की बात करें तो स्टार्टिंग में आपको 11 मंथ के ड्यूरेशन पर रखा जाएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन या फिर मास्टर डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और इस पोस्ट पर आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए। एज लिमिट की बात करें तो 1/5/2021 तक आपकी जो एज है वो 40 ईयर से एक दिन भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और STSC फीमेल कैंडिडेट को गवर्नमेंट रूल के हिसाब से एज में छूट दे जाएगी। सैलरी की बात करें तो 25,000 आपकी स्टार्टिंग सैलरी होगी। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू टाइमिंग की बात करें तो 26/5/2021 2 PM इंटरव्यू डेट रखी गई है। इंपॉर्टेंट डेट की बात करें तो 17/5/2021 से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुका है, और यदि हम लास्ट डेट की बात करें तो 23/5/2021 को इस फॉर्म को फिलअप करने की लास्ट डेट है। सो यदि आप एलिजिबल हो, इंटरेस्टेड हो और इस जॉब को अप्लाई करना चाहते हो तो जल्द से जल्द आप यह फॉर्म फिलअप कर दीजिए। फॉर्म अप्लाई प्रोसेस की बात करें तो आपको इस वेबसाइट पर जाके यह फॉर्म फिलअप करना होगा। जॉब अप्लाई करने का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके साथ साथ इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाके इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो और इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए और अपने मम्मी पापा का अपने से भी ज्यादा ख्याल रखिए। इसी भाव के साथ आप सभी से विदा लेते हैं। धन्यवाद।